कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया, अब तब अब धनराज की पारी है। धनराज, सेठ धनराज। बोलो चू, बोलो। आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की, बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया, 55 में भी नहीं। 60 में? तुम्हें समझता क्यों नहीं थी, मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? आप कौन सा बोल रहे हैं? 80। आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है, अब मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके, कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है, जाकर दरवाजा तो खोल। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर अगर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज, मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है, वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे, देन एंजॉय योर सेल्फ प्लीज। जीरो कड़ने उधार कले, अजीरो कड़ने उधार कले, चरण चरण मन चक डोल चले, चरण चरण अजीरो कड़ने उधार कले। आओ, हेलो बेटी, बेटी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? क्या, अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन, कारीगर, फैक्ट्री में आग लगी हुई है, कारीगर।